उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है ए आगरा नहर बी शारदा नहर सी ऊपरी गंगा नहर डी निचली गंगा नहर उत्तर बी शारदा नहर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है ए नर्मदा बी सी तापी, डी माही। उत्तर ए नर्मदा उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था ए 2000, बी उन्नीस सौ इक्यानवे सी दो हजार सोलह डी दो हजार ग्यारह उत्तर ए 2000 स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे ए कैलाश नाथ कारजू बी वी के कृष्ण सी बलदेव सिंह डी यशवंतराव चौहान उत्तर सी बलदेव सिंह वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था ए 2016, बी 2012, सी 2008, डी 2004 उत्तर ए 2016 वर्ष सत्रह से सत्रह तक वस्तुदा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ए वॉरेन हेस्टिक्स बी लॉर्ड मिंटो सी जॉर्ज वॉटसन डी विलियम जॉर्ज वॉकर उत्तर ए वॉरेन हेस्टिक्स पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है ए अंडाशय बी बीजांड सी पराकोश डी पुष्पयोनी उत्तर सी पराकोश निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है ए मुंबई बी बेंगलुरु सी गुरुग्राम डी चेन्नई उत्तर सी गुरुग्राम निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के दस अणु नहीं होंगे ए ग्लोबेर सॉल्ट बी वॉशिंग सोडा सी बोरेक्स डी एप्सम सॉल्ट उत्तर डी एप्सम सॉल्ट बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है ए 10 से 11 पीएम बी 1 से 10 एम सी 455 से 390 सौ नब्बे एन एम डी दो से 310 सौ दस पीएम उत्तर सी 455 से 390 सौ नब्बे एनएम मक्खन किसका उदाहरण है ए निलंबन बी कोलाइडल घोल सी पायस पायस डी मिश्रण उत्तर सी पायस. वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था ए उत्तरा बी संयुक्त प्रांत सी उत्तर प्रांत डी रामकृष्ण प्रदेश उत्तर बी संयुक्त प्रांत वर्ष अठारह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बी जोनाथन डंकन सी सर विलियम मोइल डी मदन मोहन मालवी उत्तर सी सर विलियम मोइल उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है ए आगरा बी वाराणसी सी कानपुर डी लखनऊ उत्तर ए आगरा पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष उन्नीस में नियुक्त की गई थी उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था ए उत्तर प्रदेश बी तमिलनाडु सी पश्चिम बंगाल डी असम उत्तर ए उत्तर प्रदेश कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है ए एशरिकिया बी कोकस सी बैसिलस डी वाइब्रियो बी वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे ए गोविंद बल्लभ पंत बी योगी आदित्यनाथ सी अखिलेश यादव डी मायावती उत्तर बी योगी आदित्यनाथ भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है ए प्रसलिन द्वीप बी पेम्बा द्वीप सी चोमेलिन द्वीप डी सेंटिनल द्वीप उत्तर डी सेंटिनल द्वीप निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है ए तोता बी गरुड़ सी रामचरैया डी सारस उत्तर डी सारस हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं? ए एक नवंबर उन्नीस सौ चौरासी बी चल मर्दाने सी दो चट्टाने डी अग्निपथ उत्तर ए एक नवंबर उन्नीस सौ चौरासी विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दस नीतिकथाओं का संग्रह है ए इन इक्वल म्यूजिक B, Beastly बीस्टली C. सी द Earth. D. डी Requiem। उत्तर, उल्स Beastly सौ 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था ए साहित्य बी शांति सी भौतिक शास्त्र डी अर्थशास्त्र उत्तर सी भौतिक शास्त्र स्वतंत्रता संग्राम अठारह का सिपाही विद्रोह के शहर में हुआ था झांसी बी हैदराबाद सी दिल्ली डी मेरठ उत्तर डी मेरठ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी ए फ्रेडरिक स्ट्रोमेर बी कार्ल विम शीले सी विलियम मर्डोक डी कार्ल उत्तर डी कार्ल लैडस्टेनर लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृतिक नृत्य है ए उत्तर प्रदेश बी महाराष्ट्र सी सिक्किम डी तमिलनाडु उत्तर बी महाराष्ट्र भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था ए दैनिक भास्कर बी उदंत मारतंड सी पत्रिका डी देशबंधु उत्तर बी उदंत मारतंड निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है ए अंकारा, बी दोहा सी मनामा, डी बेरूत उत्तर सी मनामा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है ए मस्कट बी दुबई सी धाबी, डी शारजा उत्तर ए मस्कट कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी ए सुषमा स्वराज बी मीरा कुमार सी प्रतिभा पाटिल डी सुमित्रा महाजन उत्तर बी मीरा कुमार दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए इंडोनेशिया बी ब्राजील सी संयुक्त राज्य अमेरिका डी यूनाइटेड किंगडम उत्तर सी संयुक्त राज्य अमेरिका पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है ए गुजरात बी कर्नाटक सी पश्चिम बंगाल डी बिहार उत्तर ए गुजरात फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था ए व्यौहार रामनोहर सिंहा बी नंदलाल बोस सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डी बेनेगल राव उत्तर डी बेनेगल नरसिंह राव तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है ए मलक्का जलडम्रु बी पाग जलड मध्य सी सुंदा जलड मध्य डी मलिको कंडू उत्तर बी पाग जलड मध्य उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है ए उदयपुर बी जोधपुर सी मैसूरू डी जयपुर उत्तर बी जोधपुर इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था A, इंदिरा सोना बी लर्मा रोजो सी एराइ डी अंकुर उत्तर बी लर्मा रोजो